जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम कलीम है और मैं भादी ट्रैवल एंड टूर्स के साथ डोमेस्टिक टूर्स से हम लोग काम करते हैं। 4 साल से हम काम कर रहे हैं, हमारा रजिस्टर्ड इदारा है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और आयाटा के साथ। आज हम लोग हमारे माइनॉरिटीज़ कराची से आए हुए थे, इनको हमने एक ट्रिप करवाना था 5 डेज़ का स्वात कलाम। तो सुबह 11 बजे के पास हमने मोटरवे से इंटरचेंज से हम उतरे, तो पुल सोके के रोड है थाना जो शहर है, यहाँ के पास जैसे ही पहुँचे तो एक मोटर कार ने जो है गो ग्रीन पम्प के सामने वहाँ पे एक गाड़ी ने हमें रोकने की कोशिश की, और गाड़ी जब हमने उसने हमें जाम करके रोका तो हम समझे कि ये कोई इदारे वाले बंदे हैं, क्योंकि उन्होंने फौजी कैप पहनी हुई थी, सिविल कपड़ों में थे। तो कार्ड आईडी कार्ड चेक करने के बहाने ये लोग हमारे पास आए, और क्या कहते हैं जैसे ही दरवाज़ा खोल के आईडी कार्ड चेक करने लगे तो उन्होंने गन्स निकाल के गन पॉइंट पे हमारे साथ 18 बंदे हैं गाड़ी में, सबसे जो है ना मोबाइल वॉलेट जो कुछ ले सकते थे वो लिया उन्होंने। और मैं सिर्फ यही कहूँगा कि हम लोग गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को रेवेन्यू दे रहे हैं इस डोमेस्टिक फील्ड से। हमारे इमरान खान साहब जो है वो कहते हैं कि जी मैं इस फील्ड में वो देता हूँ कि फैसिलिटीज़ दे रहे हैं, लेकिन ये हम लोग आ जाए हैं, इतना बड़ा सानिया हुआ है, हम लोग 5 दिन का ट्रिप प्लान करके आए थे लेकिन अभी हम वापस जा रहे हैं, FIR वगैरह हमने करवा दी है। लेकिन मेरी आला काम से अपील है कि इस चीज़ का नोटिस और इसके लिए कार्रवाई जल्द से जल्द करें, उसको मंतकिन तमाम अंजाम तक पहुँचे। जजाक अल्लाह।